नमस्कार, मैं हूं श्रवण तंबोली। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश राम कहानी। इस खास बुलेटिन में हम आपको 22 जनवरी तक लगातार अयोध्या से सबसे बड़ी कवरेज दिखाएंगे और हर दिन खास अपडेट्स के साथ दिखाएंगे। श्री राम और अयोध्या से जुड़ी खास रिपोर्ट सबसे पहले शुरू करते हैं अयोध्या अपडेट से। तो अयोध्या में श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लोकार्पण से पहले एयरपोर्ट में ट्रायल हुआ। एयरपोर्ट के रनवे पर पहला विमान उतारा गया। ट्रायल रन पूरी तरह से सफल रहा। तो इन दिनों अयोध्या सज रही है। हर तरफ भगवान राम की गाथा गाई जा रही है। उन दिनों का इंतजार है जब भगवान राम के अपने भवन में भगवान राम आएंगे। बीती रात सरयू नदी के तट पर लाइट एंड साउंड शो के जरिए रामायण को जीवंत बनाया गया। त्रेता युग में घटी घटनाओं को चित्रित किया गया। भगवान से राम के अवतरण के प्रसंगों को भी इस शो के जरिए चित्रित किया गया। आप सब उपस्थित लोगों को मैं सूर्य कुंड की महिमा सुनाती हूँ। भारत की मिट्टी अनेकों दिव्य आत्माओं की जन्मस्थली है, पर आज मैं आपको कथा सुनाऊंगी भगवान विष्णु के उस अवतार की, जिनके अवतरण से मैं पावन हो गई। सदा सदा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एक्स पर पोस्ट किया है और लिखा है कि मेरे राम आए हैं। स्मृति ईरानी ने एक बच्ची का नृत्य करते हुए वीडियो शेयर किया और लिखा कि इस प्यारी सी बच्ची की प्रस्तुति दर्शनीय है। राम, हे राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम, पतित पावन राम, सीतापति राम, अहिल्या उद्धारक राम, प्रजापालक राम, राम सृष्टि है, राम दृष्टि है, राम धर्म है, राम कर्म है, राम मर्यादा है, राम आदर्श है, राम युग है, राम वेद है, राम उपनिषद है, राम चमत्कार है, राम ही पर ब्रह्म है, राम ही त्रिदेव है, राम है तो जीव है, राम है तो जगत है, आत्मा का प्रकाश है राम, प्रेरणा की धारा है राम, सत्य के प्रतीक है राम, साहस के पर्याय है राम, अभय के प्रति मूर्ति है राम। युग बीते पर राम नाम का प्रताप कम नहीं हुआ। जब भी हृदय को चोट पहुंचती है, जब भी दुख की लहरें आती हैं, जब भी विपत्तियों का पर्वत टूटता है, तो मुंह से अनायास ही निकल पड़ता है, हे राम। जब जब होती है धर्म की हानि, जब जब पीड़ित होती है मानवता, राम जन्म लेते हैं आसुरी शक्तियों का नाश करने के लिए। अंधकार ने फिर ललकारा है, दशानन फिर कर रहे हैं हुंकार, पाप के बोझ से फिर थर थरा रही है धरती, आरती की थाल रखिए तैयार, बंधन बार रखिए सजाकर, फिर एक बार फिर आर्यवर्त की गलियों में निकलेगी सवारी, मन के आंगन में दीपक जलाकर रखिए, आपके घर आएंगे दीनों के दाता, दुख के त्राता, हमारे आपके हम सबके श्री राम। जब आप सड़क मार्ग से अयोध्या में प्रवेश करते हैं, तभी आपको
इसके राम नगरी होने का एहसास होने लगता है और तरह तरह से रामायण काल की स्मृतियों को सहेजने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। सबसे पहली बात, प्रभु श्री राम सूर्यवंशी थे, सूर्य उनका वंश था, तो आप देखेंगे कि अयोध्या के प्रवेश द्वार पर ही इस तरह से सूर्य स्तंभ आपको स्थापित नजर आएंगे। ऐसे लगातार कई सूर्य स्तंभ जो हैं कतार से बनाए गए हैं, यह अयोध्या का मुख्य प्रवेश द्वार है और आप देखेंगे कि ऊपर सूर्य की आकृति है, नीचे जय श्री राम लिखा हुआ है और इस तरह के सूर्य स्तंभ जो हैं कतार से आगे सरयू नदी के तट तक आपको नजर आएंगे। अवध प्रभाव जान सोई प्राणी जही उर बस ही राम धनु पानी। गोस्वामी जी कहते हैं कि अवधपुरी का प्रभाव तो वही जान सकता है जिसके हृदय में स्वयं प्रभु श्री राम धनुष बाण लेकर विराजे हों। तो जब आप अयोध्या आएंगे तो प्रभु श्री राम के धनुष बाण के धनुष के दर्शन भी आपको होंगे। अयोध्या नगरी को जिस तरह से संवारा जा रहा है, आप देखेंगे कि एक विशाल धनुष का निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है। तमाम जो मजदूर हैं दिन रात से अथक प्रयासों से इस धनुष को मूर्त रूप दिलाने में लगे हुए हैं और इसके नीचे मुख्य मार्ग से गुजरते हुए अयोध्या नगरी पहुँचा जा सकेगा। तो ये जो जो धनुष है उसके बीच में सूर्य की आकृति भी है और कहते हैं कि प्रभु श्री राम तो सूर्यवंशी थे। आप तमाम जो मजदूर हैं कब से यहाँ पर लगे हुए हैं और क्या बना रहे हैं? सूर्य देव की मूर्ति बना रहा हूँ। सूर्यदेव की मूर्ति बनेगी और ये धनुष? धनुष तो है फिलहाल करके, ये जो अपना सूर्यदेव का पूरा कमल करके पूरा प्रोडक्ट अपना है वही सारा लगेगा इस पर। और इस तरह से प्रभु श्री राम के प्रतीक चिन्ह जो है वो यहाँ पर सजाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? भगवान सूर्यदेव जो है यहाँ पे बढ़िया बनेगा जो है, रथ भी बनेगा जो है भगवान का जो है। और जब से महाराज जी की सरकार आई है तब से अयोध्या में बहुत काम हो रहा है, इतना काम हो रहा है, कोई मुख्यमंत्री इतना काम नहीं किया जितना महाराज जी ने काम कर दिया अयोध्या में। तो रामलला प्रतिष्ठित हो रहे हैं? हाँ, 22 जनवरी को रामलला आ रहे हैं जो है, मोदी जी भी आ रहे हैं, सब तो आ ही रहे हैं, आप लोग तो जान ही रहे हैं। बहुत विशाल हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है अयोध्या में। उन्हीं की कृपा से चार मजदूर भाई, चार लेबर मिस्त्री सब कमा रहे हैं उन्हीं की कृपा से जो है। अयोध्या में बहुत काम चल रहा है, कम से कम हजारों लेबर काम कर रहे हैं, हजारों कारीगर काम कर रहे हैं, सब पूरा कार्य हो रहा है उन्हीं की कृपा से जो है। रामायण जीवंत हो रही है? हाँ, एकदम 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 रामायण जीवंत हो रही है। तमाम मजदूर जो हैं दिन रात से इस काम में लगे हुए हैं, इंजीनियर्स हैं जो इस काम पर लगे हुए हैं और अयोध्या नगरी अवधपुरी को फिर से सजाया जा रहा है, फिर उसी गौरव को प्राप्त करने की दिशा में अयोध्या आगे बढ़ रही है। अवधपुरी संप्रिय नहीं सो यह प्रसंग जाने को। लेकिन अब अवधपुरी प्रभु श्री राम को कितनी प्रिय है ये प्रसंग सब जानने जा रहे हैं और आप देखेंगे कि अयोध्या के मुख्य मार्ग को धर्म पथ के तौर पर कितनी खूबसूरती से सजाया जा रहा है। ये तमाम जो कारीगर हैं ये देश भर के अलग अलग हिस्सों से आए हुए हैं। इस वक्त जो कारीगर खूबसूरत वॉल पेंटिंग आपको बनाते हुए दिख रहे हैं, ये दरअसल वॉल पेंटिंग के साथ साथ POP का भी वर्क है और इसके ज़रिए रामायण को अयोध्या नगरी में जीवंत किया जा रहा है। आपको यहाँ राजमहल का एक दृश्य नज़र आएगा जहाँ पर प्रभु श्री राम हैं, चारों भाई हैं और ये जो मजदूर जो हैं ये आर्टिस्ट हम कहें कि वो यहाँ पर हैं। आप कहाँ से आए हैं? एक्चुअली कोलकाता से आए। क्या बना रहे हैं आप लोग? हम मूर्ति बन रहे हैं। कितने मजदूर हैं आप लोग, कितने आर्टिस्ट हैं? हमारे इधर पेंट वाला 3 आदमी है और जो बना सेटिंग कर चले सेटिंग करने वाला 25-30 आदमी है। तो आप देखेंगे कि ये वो आर्टिस्ट हैं जो पश्चिम बंगाल से यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन और भी राज्यों के कुछ आर्टिस्ट हैं जो लगातार इसी तरह से यहाँ पर अपनी कारीगरी के ज़रिए इस धर्म पथ को रामायण के रूप में सजीव बना रहे हैं। आगे भी देखते हैं और बताते हैं कि किस तरह से अयोध्या संवर रही है, किस तरह से अयोध्या का गौरव और बढ़ रहा है। ऐसे में भव्य तैयारियां लगातार अयोध्या में नजर आ रही हैं और पीछे आपको जो
दृश्य मैं दिखा रहा हूँ ये रामपथ का है, ये जो मुख्य मार्ग है ये सीधे राम मंदिर को लेकर जाएगा और यहाँ पर रामायण काल की जो प्रतीक हैं उनसे रूबरू तमाम राम भक्त हो सकेंगे। ये जो सामने मुख्य द्वार है, इस मुख्य द्वार का आप देखेंगे कि 12 मीटर ऊंचे दो खम्भ यहाँ पर लगाए गए हैं और ये सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करते हुए ये खम्भ रहेंगे। और ये जो सड़क है ये करीब 30 मीटर चौड़ी है और सड़क के दोनों तरफ रामायणकालीन जो चित्र हैं वो यहाँ पर लगाए जाएंगे। राम भक्तों को इसी मार्ग से होते हुए मुख्य प्रवेश मार्ग यानी यही है, इससे होते हुए राम मंदिर में प्रवेश मिलेगा और भीतर जाकर वो प्रभु श्री राम के दर्शन कर सकेंगे। तो हम कहें कि प्रभु श्री राम के आगमन की तैयारियां लगभग वैसी ही हैं जब वो लंका फतह करके अयोध्या लौटे थे, और यहाँ पर प्रशासन की ओर से लगातार तैयारियाँ, भव्य तैयारियाँ की जा रही हैं और अयोध्या बदली बदली और बेहद प्रसन्न नज़र आ रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अयोध्या के रेलवे स्टेशन पर। आपको लगेगा कि मैं किसी मंदिर पर हूँ, लेकिन मंदिर नुमा ये जो पूरी आकृति है ये अयोध्या का रेलवे स्टेशन है जिसे लगातार विस्तारित किया गया है और इसका निर्माण भी राम मंदिर की तर्ज पर ही किया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि चूँकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु यात्री यहाँ पर पहुँचेंगे, लिहाजा रेलवे ने अपनी कमर कस ली है और जो जानकारी है उसके मुताबिक अयोध्या से बड़ी संख्या में स्पेशल ट्रेन चलाने की तैयारी की जा रही है और कहा जा रहा है कि इस दौरान करीब 1000 से ज़्यादा स्पेशल ट्रेनें रेलवे चलाएगा, जिसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, जम्मू, बेंगलोर, पुणे, कोलकाता और नागपुर सहित कई शहरों से रामनगरी अयोध्या के लिए ट्रेन चलाई जानी है। और राम मंदिर के आयोजन को देखते हुए भारतीय रेलवे अपने स्तर पर कई तैयारियाँ कर रहा है। आप देखेंगे कि रेलवे की ओर से जो स्टेशन अयोध्या का बनाया गया है वो राम मंदिर की ही तर्ज पर है और फ्रंट गेट में आपको रामलला पूरे दरबार के साथ विराजमान नज़र आएंगे। और भीड़ को देखते हुए रेलवे ने देश भर से बड़े स्तर पर स्पेशल ट्रेन चलाने की जो तैयारी की है, और ये माना जा सकता है कि रेलवे भी इस महापर्व के लिए जी जान से एक तरह से तैयार है। इसमें जो पत्थर भी आप देखेंगे कि वो वही पत्थर हैं जो राम मंदिर निर्माण में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, यानी राजस्थान के भरतपुर के बंसी पहाड़पुर के ये पत्थर कहलाए जाते हैं जिनका इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है और इनकी उम्र 5000 साल से भी ज़्यादा बताई जाती है और बारिश होती है तो इनकी चमक कम नहीं होती बल्कि चमक बढ़ती जाती है। ये स्टेशन का फ्रंट जो है वो आप देख रहे हैं कि इसमें 8 पिरामिड जो है वो बनाए गए हैं। स्टेशन के फ्रंट गेट से जब आप यात्री प्रवेश करते हैं तो लोगों को ऐसी फीलिंग आएगी जैसे वो अयोध्या के मंदिर में ही जा रहे हैं। ये सुखद अनुभूति जो है वो यहाँ पर रेलवे स्टेशन पहुँचने वाले यात्रियों को होगी। और ये भी माना जा रहा है कि सामने तो राम दरबार की फ़ोटो नज़र आएगी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि स्टेशन पर जब जैसे ही दाखिल होंगे तो भगवान राम की एक मूर्ति की भी स्थापना की जा सकती है और स्टेशन के भीतर भी मंदिर के दर्शन कराने जैसी पेंटिंग कराने की ही योजना है और फ्रंट गेट पर भगवान राम का एक मुकुट भी बनाया जाना है। ये तैयारियां जो हैं वो पूरी बताती हैं कि राम नगरी का वैभव, अयोध्या का वैभव किस तरह आने वाले दिनों में और बढ़ने जा रहा है। दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आएंगे और अयोध्या को 18,000 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात पीएम मोदी के हाथों दी जाएगी। और सबसे बड़ी सौगात अगर कोई है तो वो श्रीराम एयरपोर्ट है जो अयोध्या में बनकर तैयार हुआ है और विश्व स्तरीय ये एयरपोर्ट है। नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ, इस वक्त मैं अयोध्या के एयरपोर्ट पर ही मौजूद हूँ और ये एयरपोर्ट जो है आप देखेंगे कि यहाँ पर भी अयोध्या की सांस्कृतिक विरासत इस बिल्डिंग में जो है साफ नज़र आएगी और इसे भी राम मंदिर की तर्ज पर ही बनाया जा रहा है। उन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल जिसका इस्तेमाल राम मंदिर निर्माण में किया गया है,
और ये दो फेज में अयोध्या का एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, जिसमें जो फर्स्ट फेज है उसमें 65,000 वर्ग फुट का हवाई तल बन रहा है और इसकी क्षमता जो है वो हर घंटे 2 से 3 फ्लाइट की होगी। और फिलहाल एयरपोर्ट जो है 2200 मीटर के रनवे के साथ शुरू हो रहा है और इस पर छोटे विमानों के अलावा बोइंग, एयरबस जैसे बड़े विमान भी उतर सकेंगे। और दूसरे चरण में फिर रनवे की लंबाई जो है वो बढ़ाई जाएगी, इसको बढ़ाकर 3,700 मीटर किया जाएगा और उस पर फिर इंटरनेशनल विमान भी सीधे अयोध्या में लैंड कर सकेंगे। बड़ी बात यह है कि ये पहली फ्लाइट अयोध्या को जोड़ने का जो सौभाग्य हम कहें कि एक तरह से इंडिगो एयरलाइन कंपनी को मिला है और ये इंडिगो की 86 डोमेस्टिक डेस्टिनेशन होगी जहां सीधे पहुंचा जा सकेगा, हवाई मार्ग के जरिए पहुंचा जा सकेगा। 30 दिसंबर 2023 को अयोध्या में पहली फ्लाइट जो है इंडिगो की दिल्ली से पहुंचेगी और उसके बाद 6 जनवरी से दिल्ली और अयोध्या के बीच सीधी उड़ान शुरू की जाएगी और उसके बाद 11 जनवरी से अहमदाबाद और अयोध्या को हवाई रूट से जोड़ दिया जाएगा। अब जबकि प्रभु श्री राम रामलला अपनी जन्मभूमि पर पधार रहे हैं तो अयोध्या उत्साह में है और ये उत्साह अयोध्या के इस पूरे माहौल को देखकर आप समझ सकते हैं। इस वक्त मैं भक्तिपथ मार्ग पर हूँ जो कि हनुमानगढ़ी को जोड़ता है और मेरे पीछे आप ये समर्थी हुई अयोध्या देखेंगे। ये सड़क कभी बेहद सक्रिय हुआ करती थी लेकिन इस सड़क का चौड़ीकरण किया गया है और बड़ी खूबसूरती से इस भक्तिपथ को सजाया गया है। आप देखेंगे कि सड़क के दोनों ही जो मार्ग हैं दोनों तरफ एक सी डिज़ाइन जो है वो नज़र आएगी और मंदिर नुमा इन तमाम दुकानों को बनाया गया है। ये वो तमाम व्यापारी हैं जो पीढ़ियों से यहाँ पर गुजर बसर किया करते थे लेकिन अब चूँकि राम लला अपने मंदिर में विराजमान हो रहे हैं, ऐतिहासिक मौका अयोध्या के पास है। अयोध्या अब विश्व पटल पर छा रहा है, देश दुनिया की प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटन का की राजधानी बनने जा रहा है। तो आप देखेंगे कि जो विकास कार्य है बदलती अयोध्या का ये प्रतीक है और व्यापारी क्या सोचते हैं हम जानने की कोशिश करेंगे इस बदलती हुई अयोध्या को लेकर। हम देख रहे हैं कि गुप्ता जी हैं और मुझे पता चला कि आप व्यापारी मंडल के भी पदाधिकारी हैं, तो आप क्या कहेंगे, दुकानें तो आपकी टूटी होंगी लेकिन अब बदलती हुई अयोध्या में यहाँ के व्यापारी क्या सोच रहे हैं? बिल्कुल अच्छा ही सोच रहे हैं, जैसे पुराने समय में ही काफ़ी लोग जो व्यापार में दिक्कतें आती थीं, अब आज अयोध्या पूरी तरीके से सज रही है और सज जाएगी और अच्छे तरीके से, तो लोगों को व्यापारिक दृष्टिकोण से तो काफ़ी लाभ होने वाला है। वर्षों बाद अपनी जन्मभूमि पर पधार रहे हैं तो वही माहौल इस वक्त भी यहाँ नज़र आता है। इस वक्त मैं अयोध्या की राम की पैड़ी में मौजूद हूँ जो कभी प्रदूषण की वजह से खासी परेशान थी, प्रदूषण की वजह से यहाँ सरयू दम तोड़ रही थी, लेकिन आज की तस्वीर देखिए, मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे सरयू नदी का ये वो तट, वो ये वो घाट मैं दिखा रहा हूँ आपको जो कि राम की पैड़ी के रूप में जाना जाता है। और आप देखेंगे कि सरयू नदी का जल जो है यहाँ से प्रवाहित किया जा रहा है और बेहद सुंदर तरह से पंपिंग स्टेशन भी बहुत से लगे हुए हैं और आप देखेंगे कि इतना खूबसूरत ये घाट बनाया गया है कि ये धार्मिक आस्था के अलावा पर्यटन का भी केंद्र बन गया है। और ये विकास कार्य जो हुआ है तकरीबन 50 करोड़ रुपयों की लागत से उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से करवाया गया है। इस राम की पैड़ी का दृश्य हम आपको आगे भी दिखाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से लेकर वहाँ तक निर्मल सरयू जो है वो यहाँ प्रवाहित होती नज़र आती है, जैसा कि अभी अभी रामचरितमानस की चौपाई का भी मैं जिक्र करते हुए कह रहा था। तो आप देखेंगे कि अति पवित्र और निर्मल सरयू यहाँ प्रवाहित हो रही है और उस वजह से यहाँ की सुंदरता जो है वो देखते ही बन रही है। सरयू के पास ये जो राम की पैड़ी है यहाँ आप देखेंगे कि सुंदर प्राचीन मंदिर यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर लेज़र शो का भी आयोजन प्रतिदिन होता है, जब यहाँ पर सरयू माँ की आरती की जाती है
तो लेजर शो का भी आयोजन प्रशासन की ओर से यहाँ पर करवाया जाता है, जिनमें रामायण का सजीव चित्रण होता है, साथ ही साथ प्रभु श्री राम के जीवन गुणों को यहाँ प्रदर्शित किया जाता है। लाइट एंड साउंड शो जो है वो देखते ही बनता है। लेकिन हम कहें कि अयोध्या किस तरह से बदल रही है, ये बताने के लिए इससे बेहतर नज़ारा कोई दूसरा हो नहीं सकता। और लगातार यहाँ अयोध्या में विकास कार्य हो रहे हैं, और ये विकास कार्य बताते हैं कि अयोध्यावासी अपने रामलला के आगमन पर कितने खुश हैं। कोटिकल्प काशी बसे, मथुरा कल्प हजार, एक निमिष सरयू बसे, तुले न तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सरयू की महिमा इसी तरह मानस में वर्णित की है, और आज सरयू की ये महिमा पूरी देश दुनिया में पहुंच रही है। सब अयोध्या का रुख करने वाले हैं, क्योंकि अयोध्या बदल रही है। रामलला के स्वागत में लगातार जिस तरह से विकास अयोध्या में हो रहा है, वो ये बताता है कि धार्मिक एक बड़ा पर्यटन का केंद्र अयोध्या बन रहा है। और एक सुंदर तट पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जो कि सरयू नदी का ही तट है, और यहाँ तमाम भक्तगण भी आपको दिखेंगे। देखेंगे कि सीताराम जी जो है वो माथे में लगाकर यहाँ पर अयोध्या नगरी अवधपुरी में पहुँचे हुए हैं। तो अयोध्या किस तरह से बदल रही है? अयोध्या बहुत तेज़ी से बदल रही है। हम लोग यहीं के रहने वाले हैं, और पहले ऐसी अयोध्या नहीं थी, अब ऐसा हो गया कि हम लोग को अच्छा लग रहा है। हर जगह पूरे विश्व में हम लोगों का ये परचम लहराया है, और योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है, हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। आप क्या कहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है, और यहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा है, और आने वाले समय में राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। धूमधाम से तैयारी चल रही है, हमारी सरकार हर तरह की सुविधा प्रदान कर रही है। रोड नए बाहर से लोग आ रहे हैं, हम लोग में भी बहुत खुशी है, उल्लास है, और हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उसका उद्घाटन हो, ताकि लोग आके वहाँ पर दर्शन करें। बहुत बदल रही है अयोध्या। पहले हम लोग यहाँ आते थे तो भगवान प्रभु राम को टेंट में देखते थे, एक अंदर से वो होता था कि हमारे राम जी तक कब तक टेंट में रहेंगे, लेकिन आज वो सपना साकार हो रहा है कि प्रभु का एक भव्य महल बन रहा है, जिसमें बहुत ही प्यारा सुंदर अयोध्या हो गया है। पहले से बहुत बदल गई है अयोध्या। प्रभु श्री राम का, राम लला का स्वागत होना है। दीपावली इस वर्ष दो बार मनाई जानी है, और जाहिर सी बात है कि इस बार चूँकि राम लला प्राण प्रतिष्ठित होंगे अपनी जन्मभूमि पर, सदियों तक जिसकी प्रतीक्षा थी वो ऐतिहासिक क्षण आ रहा है, और उसी इंतजार में अयोध्यावासी उत्साहित हैं। अयोध्या बदल रही है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, अयोध्या। राम जी को जानना हो तो एक तो ढंग है वाल्मीकि रामायण से गुजर जाएं। लेकिन वाल्मीकि जी ने हमारे राम जी को उस युग का श्रेष्ठ पुरुष बताया है। अगर राम जी वाल्मीकि जी की दृष्टि से देखें तो आदर्श जीवन की उच्चतम अभिव्यक्ति है। फिर आए तुलसीदास जी, और तुलसीदास जी ने तो अपने ईष्ट भगवान राघवेंद्र सरकार को ऐसे अद्भुत ढंग से प्रस्तुत किया, जो राम कभी ऋषि मुनियों के थे, जो राम कभी विद्वानों पंडितों के थे, तुलसीदास जी ने उनको परिवार के राम बनाया और हमारे हनुमान हमको सौंपे। इसलिए राम को जानना हो तो रामचरितमानस एक साधारण बिल्कुल सरल माध्यम है। रामचरितमानस के राम क्यों अनूठे हो जाते हैं? क्योंकि तुलसी की पूरी प्रस्तुति बड़ी अद्भुत है। रामचरितमानस में 7 कांड हैं। हम हर कांड के पीछे के सूत्र को समझें, क्योंकि तुलसीदास जी कोई सामान्य कवि नहीं थे, मनोवैज्ञानिक ऋषि थे। उन्होंने कथा क्रम का गठन इतना सुंदर किया है। बाल कांड, सहजता,
ठीक बात है। दूसरा लीजिए, अयोध्या कांड सत्य है, सूत्र अयोध्या कांड का। तीसरा कांड अरण्य कांड, इसका सूत्र है संतुलन, और सब में राम का चरित्र हमको कुछ सिखा रहा है। चौथा किष्किंधा कांड, उसमें तो हनुमान जी राम जी के जीवन में आ गए, हनुमान जी के जीवन में राम जी आ गए, वो भी अनूठा है। पांचवा सुंदर कांड, क्या कहने, सारी दुनिया जिसको गाती है। फिर है लंका कांड, लंका कांड का सूत्र है संकल्प, सुंदर कांड का सूत्र है सफलता, किष्किंधा कांड का सूत्र है संघर्ष, आखिरी में उत्तर कांड उसका सूत्र है समर्पण। तो जब कभी राम कथा से गुजरे, हर कांड के साथ जो उसके पीछे का संदेश है उसको ध्यान रखिए।